पीठ परिषद आदित्यवाहिनी आनंदवाहिनी शाखा खानपुर मनवाल की ओर से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग के निर्वाण दिवस को आराधना दिवस के रूप में गोपाल धाम गौशाला सर्कुलर रोड में अध्यक्ष अजय शर्मा व सुधा शर्मा की अगुवाई में मनाया गया। सर्वप्रथम गौ पूजन के दौरान गौ माता को गुड़ और चारा खिलाकर भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रार्थना की गई। अजय शर्मा ने बताया है कि आज हम विश्व की ऐसी महान विभूति का निर्वाण दिवस गौशाला के प्रांगण में मना रहे हैं जिनका संपूर्ण जीवन धर्म और राष्ट्र को समर्पित था, जिनके आशीर्वाद से आज स्वतंत्र भारत में अपने धर्म समाज सनातन मान बिंदुओं को सुरक्षित रखने का अभियान चला रहे हैं। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा, रघुनाथ सिंह, रमन रामपाल, रमेश शास्त्री, रजेश शर्मा, रमेश शर्मा, कमला, सुदेश, मीरा, अनु, सत्य, बालवाहिनी सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, उर्मिल शर्मा, प्रदीप, मीरा, सार्थक, बबीता उपस्थित थे। माघ शुक्ल चतुर्दशी को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का निर्वाण दिवस गोपाल गोदाम गौशाला में आराधना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये उनका 38वां निर्वाण दिवस है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज विश्व की ऐसी महान विभूति थे जिनका पूरा जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने जो विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया और जो विज्ञान जो था उसको उन्होंने दोबारा जो धरती पर अवतरित किया, साथ में उन्होंने जो है धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण मुक्त जो शासन तंत्र की स्थापना के लिए राम राज्य परिषद की स्थापना की, हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की। वो एक ऐसी महान विभूति थी। वो कहते थे कि राम राज्य के लिए जो है ऐसा होना चाहिए कि जो जीवन व्यक्ति का है समष्टि हित के लिए होना चाहिए। उन्होंने खुद शंकराचार्य ना बनकर अपने बहुत से शिष्यों को शंकराचार्य के पद पर सुशोभित किया और इसलिए उनको जो है हिंदू जो है हमारा सनातन जो जगत है उसमें उनको अभिनव शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है। वो जो स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि जहाँ बाघ बकरा एक घाट पानी पिए, चूहा बिल्ली में मेल हो जाए, सांप नेवला में दोस्ती हो जाए, वही धर्म राज्य है, वही ईश्वर राज्य है। और इसी का ही जो वर्णन है वेदों में है, रामायण में है, महाभारत में है। तो ऐसी महान विभूति का जो आज निर्वाण दिवस है आराधना दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है। वो युग प्रवर्तक थे, वो त्रिकालदर्शी थे, वो योगियों के योगी थे, वो ऐसी महान विभूति थे आदि गुरु शंकराचार्य के बाद जो सनातन धर्म की जो रक्षा की परंपरा को आगे लेकर वो इस धरा पर चले और उन्हीं के मार्गदर्शन में पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के संस्थापक जो पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग हैं वो उस परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं ताकि भव्य भारत की संरचना हो सके और जो है भारत जो है उत्कृष्ट जो है भारत का निर्माण हो सके, सनातन मान बिंदुओं की रक्षा हो सके, पृथ्वी के धारक तत्वों की रक्षा हो सके। तो हम ये कामना करते हैं कि भारत शिखर से शिखर अखंड हो, भारत के जितने सनातन मान बिंदु हैं वो सुरक्षित हों। अंत में हम ये भी प्रार्थना करते हैं, हे रामेश्वर श्री राम भूमि की रक्षा कर, हे रामेश्वर श्री राम भूमि की रक्षा कर। आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल द्वारा अज सर्कुल रोड गौशाला के धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का निर्वाण दिवस जोड़ा वा वो मनाया जा रहा बहुत धूमधाम न और इस दौरान गौ माता का पूजन और गोष्ठी होगी और जो यहाँ पर पास में झुकी झोंपड़ी है उसमें फल वितरण भी होगा और एक स्कूल को दरिया टाट वगैरह भी वो हम इस अवसर पर देंगे। ये जो निर्वाण दिवस हम धर्मसभा कुआती महाराज का मना रहे हैं इसमें हमारी भावना ये है कि क्योंकि वो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आदि शंकराचार्य भगवान जी के बाद धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा दे अभियान को लेकर धर्म संघ पीठ को की स्थापना की, राम राज्य परिषद की स्थापना की, भारत की रक्षा के लिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लक्षचंडी यज्ञ का आयोजन किया और गौ माता की रक्षा के लिए उनको 1966 में
बहुत बड़ा जो आंदोलन जो था पूरे देश में उन्होंने खड़ा किया, और उसमें कम से कम 10 लाख जो गौ भक्त थे वो दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, जिन पर उस मौके की सरकार ने गोलियां चलाई, और उसके बाद कई लोगों का जो वहां पर जो था वो मृत्यु हो गई। और वो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जो है लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया, जो विकृत ज्ञान विज्ञान है उसका शोधन किया, और जो सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान है उसको विशद किया, और धर्म राज्य राम राज्य नामक उन्होंने पुस्तक का एक ग्रंथ लिखा, जिसके कारण उस समय की सरकार द्वारा जो प्रायोजित उसी समय इस देश को कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाने की जो योजना थी वो विफल हो गई। इसी क्रम में एक रशिया से डेलीगेशन आया, उसके साथ जगदीप धर्मसभा कुमात्री महाराज जी की साथ उनकी गोष्ठी हुई, और उसमें जो था उनके जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए और जो प्रश्न किए वो डेलीगेशन उनका उत्तर नहीं दे सका, और इसी कारण जो था जो भारत जो है उस समय कम्युनिस्ट राष्ट्र बनने से बच गया। जो उन्होंने राम राज्य मार्क्सवाद नामक ग्रंथ लिखा, उसके उत्तर में भी सरकार के द्वारा एक प्रायोजित व्यक्ति के द्वारा उसका खंडन करने के लिए प्रयास किया, मगर वो उनका जो भाव था उसको छू ना सके। और आज मैं समझता हूँ कि जो पूरी पीठाधीश्वर जगदीश शंकराचार्य महाराज हैं गोवर्धन मठ के, उनके द्वारा जो राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा का आंदोलन चल रहा है वो उन्हीं धर्म संवाद स्वामी कृपात्री महाराज की सदप्रेरणा के साथ चल रहा है। और जब तक ये भूमि जो है, क्योंकि इस भूमि पर ही जो है देवी देवता जो हैं उनका अवतार होता है, भगवान भी जब पूरे विश्व की को एक सदमार्ग दिखाना होता है तो भगवान स्वयं जो है इस धरती पर ही प्रकट होते हैं, तो इस भूमि की रक्षा जो है भगवान श्री नारायण को बहुत प्रिय है। इसी कारण जो है इस धरती पर जो है वो संता महापुरुषों का आगमन होता रहता है, और समय समय पर वो आकर के जो देश का मार्गदर्शन करते हैं और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। इस समय जो राष्ट्र रक्षा आंदोलन चल रहा है उसमें भी जगदीश शंकराचार्य महाराज पूरे विश्व को चेतावनी दे रहे हैं कि जो विकास की परिभाषा विश्व इस समय दे रहा है उसके कारण जो सृष्टि की जो आयु है वो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो निश्चित की गई वो 30 वर्ष है। तो इस कारण हम जो है प्रकृति की रक्षा के लिए, पानी पृथ्वी वायु जल आकाश की रक्षा के लिए जो है सब लोग जो है आगे आएँ, सरकारें उस सब का ध्यान रखते हुए जो है विकास को परिभाषित करें, तभी ये पृथ्वी जो है वो प्राणियों को रहने लायक बचेगी, नहीं तो ये जो पृथ्वी है वो प्राणियों के रहने लायक नहीं बचेगी। ये बहुत ही जो सात्विक आंदोलन जो है इस समय पूरे देश और विदेश में चल रहा है, और सोशल मीडिया पर भी करोड़ों व्यक्ति जो हैं वो उनको प्रतिदिन सुनते हैं, लगभग 80 देशों के 10 करोड़ व्यक्ति जो हैं वो उनको सुन रहे हैं, और उससे भी उसमें से भी 8 से 10, 1.5 से 2 करोड़ जो युवा हैं एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरा जो समाज है एकजुट होकर पूरी पीठाधीश्वर महाराज जी के मार्गदर्शन में वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए आगे आए, तभी जो है वे पूरी देश की भी रक्षा हो पाएगी, समाज की भी रक्षा हो पाएगी और पूरे विश्व की रक्षा हो पाएगी। धन्यवाद। विक्टोरिया स्टेट पठानकोट में खुल गया है डिस्काउंट वेयर हाउस शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे ब्रांड शूज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम एंड किचन अप्लायंसेस, वो भी 50% डिस्काउंट पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम टू डिस्काउंट वेयर हाउस, बेस्ट प्राइस एनीवेयर, डिफेंस रोड विक्टोरिया स्टेट पठानकोट। सेंट मेरीज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर, हियर वी होप टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर फॉर एजुकेशन। एट सेंट मेरी academic subjects and extra co-curricular activities complement each other to develop social skills and health of students. Theory and concepts are well understood by performing scientific experiments on their own
our school encourage students to think independently and in depth of their own ways. Well-furnished library. Library is a place from where we get peace and lot of vital knowledge which is very essential for our life. High-tech computer lab. Language lab for English proficiency. St. Mary's Senior Secondary School, Kalachak Road, Sujanpur, District Pathankot. Affiliated to CBSE, New Delhi. For admissions, call 0186-2244625-9876-660625-855-8835-275.